हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर, चिलर प्लांट पर प्रॉपर वीडियो बनाएं कि प्राइमरी पंप का क्या काम होता है, सेकेंडरी पंप का क्या काम होता है, कंडेंसर पंप का क्या काम होता है और चिलर प्लांट की साइकिल क्या होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको हर एक चीज क्लियर करने वाला हूं कि भाई चिलर प्लांट की साइकिल क्या होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या वर्क होते हैं। तो दोस्तों, वाटर कूल्ड चिलर प्लांट साइकिल, आज हम वाटर कूल्ड चिलर प्लांट के बारे में प्रॉपर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो पार्ट्स है वो है कंप्रेसर। तो अब हम समझेंगे कंप्रेसर का क्या वर्क होता है। दोस्तों, कंप्रेसर में हमारे एक तरफ से गैस सक्शन होती है और एक तरफ से डिस्चार्ज होती है और बिना किसी बाह्य शक्ति के कोई भी चीज प्रेशरली ना जा सकती है और ना आ सकती है, यही काम कंप्रेसर करता है। तो दोस्तों, इधर से हमारी जो कंप्रेसर गैस को डिस्चार्ज करता है और इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर डिस्चार्ज लाइन। उसके बाद जो हमारी गैस डिस्चार्ज होती है वो जाती है ऑयल सेपरेटर के अंदर। ऑयल सेपरेटर का वर्क होता है दोस्तों, जो भी हमारी गैस डिस्चार्ज होती है उसके साथ जो भी ऑयल के कण चले जाते हैं, ऑयल सेपरेटर उनको अपने अंदर रोक के रखता है। उसके बाद ये हमने एरो भी दिए हुए हैं, ये हमारी जो गैस है वो जाती है कंडेंसर के अंदर। अब हम जानेंगे दोस्तों कंडेंसर का क्या वर्क होता है। दोस्तों, ये जो हमारी गैस कंप्रेसर से डिस्चार्ज होती है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज होती है। तो कंडेंसर का काम होता है, जब ये गैस डिस्चार्ज होती है तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से गैस हमारी वेपर वेपर में डिस्चार्ज होती है और कंडेंसर का कार्य होता है के वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। क्योंकि दोस्तों, कंडेंसर के अंदर हमारे जो इस तरह के सेल होते हैं और सेल के अंदर हमारा पानी होता है और बाहर हमारी गैस होती है, तो ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर को हम कनेक्ट रखते हैं कूलिंग टावर से और इसके लिए जो हम एक पंप लगाते हैं, कंडेंसर पंप। कंडेंसर पंप का कार्य होता है पानी को प्रेशर से लाना और कूलिंग टावर को पहुंचाना। तो दोस्तों, यहां पर यह भी क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे हमारे साथी सही से इंटरव्यूअर को ये नहीं बता पाते हैं कि कंडेंसर पंप का क्या वर्क है, प्राइमरी पंप का क्या वर्क है या सेकेंडरी पंप का क्या वर्क है, या हमारे चिलर प्लांट में जो वाटर सर्कुलेशन कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों, कंडेंसर पंप हमारे जो कूलिंग टावर को, कंडेंसर के अंदर जो पानी आता है, रॉड के अंदर हमारा पानी रहता है और बाहर गैस रहती है। जब हमारी गैस पानी कॉइल के अंदर पानी रहता है, गैस उसके संपर्क में आती है तो गैस भी हमारी लो टेम्परेचर की हो जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो पानी खुद गर्म हो जाता है तो पानी हमारा कूलिंग टावर के लिए, ये हमने जो एरो दिया हुआ है, कूलिंग टावर के लिए चला जाता है। चलिए दोस्तों, समझेंगे कि कूलिंग टावर में देखो, नीचे ये हमारा टैंक होता है और ऊपर ये फिन्स होती हैं और इसके ऊपर हमारा
ये फैन लगे होते हैं, और जो गर्म पानी हमारा जाता है ऊपर से पाइप के थ्रू छोटे छोटे होल से पानी गिरता है फिन्स के ऊपर, और उसकी गर्मी को ये हमारे जो फैन है ऊपर की तरफ फेंकते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों को यही नहीं पता होता भाई कूलिंग टावर के जो फैन होते हैं वो हवा नीचे की तरफ देते हैं या ऊपर की तरफ देते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ गर्मी को खींचते हैं, इसी तरह से ये वाटर साइकिल हमारी चलती रहती है। तो इस काम को कंप्लीट करता हमारा कंडेंसर पंप, प्रेशरली पानी को कूलिंग टावर को ले जाकर देता है गर्म पानी को, और ठंडे पानी को लाकर कंडेंसर को देता है। उसके बाद गैस हमारी जाती है ड्रायर के अंदर, और ड्रायर का काम होता है जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है उससे नमी को हटाना, ये ड्रायर का कार्य होता है। उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जाता है एक्सपेंशन वाल पर, और एक्सपेंशन वाल का काम होता है दोस्तों हाई प्रेशर को लो प्रेशर में, मैंने यहां पे नोट भी किया ताकि हमारे साथी अच्छे से समझ सकें, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना, और दूसरा दोस्तों रिक्वायर्ड के हिसाब से हमें आगे कूलिंग देना। क्योंकि दोस्तों जैसे हमने चिलर प्लांट का 7 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट सेट किया है, तो जब तक 7 डिग्री नहीं होगा तब तक हमारा एक्सपेंशन वाल्व पूरा खुला रहेगा, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर अचीव होगा उस हिसाब से धीरे धीरे हमारा ये जो एक्सपेंशन वाल्व है बंद होता चला जाता है। तो ये रिक्वायर्ड के हिसाब से हमारा एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट हमारा जाता है एबो एपरेटर में। दोस्तों एबो एपरेटर चिलर प्लांट का वो मुख्य भाग है जहां पर शीतलता उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो एबो एपरेटर है, एबो एपरेटर के अंदर भी हमारे सेल होते हैं, और सेल के अंदर हमारा पानी होता है, इसके लिए भी दो लाइन होती है इनलेट लाइन और आउटलेट लाइन, और इसका जो संपर्क हम रखते हैं AHU यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट। यहां पर मैंने AHU का प्रॉपर डायग्राम भी बनाया है कि भाई AHU के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है। तो दोस्तों एक लाइन है हमारी HU के लिए ठंडा पानी जाता है, और दूसरी लाइन से हमारा जो पानी गर्म हो जाता है वो एबो एपरेटर को आता है। तो हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यू में ये नहीं बता पाते हैं कि भाई इस वर्क को जो पानी को HU को ले जाकर देना या लाकर एबो एपरेटर को देना कौन कौन से पंप का कार्य होता है। तो दोस्तों ये जो HU से हमारा गर्म पानी आता है उसको हमारा प्राइमरी पंप लाकर एबो एपरेटर को देता है, और ठंडे पानी को सेकेंडरी पंप हमारा ले जाकर AHU को देता है। अब हम AHU के बारे में प्रॉपर समझेंगे कि AHU में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने नीचे लिखा भी है AHU में हमारे फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर का काम होता है जो भी हमारी बाहर से ऑक्सीजन आती है उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर करना। और नंबर 2 पे हमारे AHU के अंदर कॉइल होती है, और ये जो हमारा एबो एपरेटर से ठंडा पानी आता है ये कॉइल के अंदर ही पानी जाता है। और उसके बाद होता है हमारा वैकेंट प्लेस, खाली स्थान होता है, हमें AHU के अंदर कोई PPM करना हो, कोई क्लीनिंग करनी हो, कोई मेंटेनेंस करना हो तो वैकेंट प्लेस होता है। और उसके बाद होते हैं बिलोवर। दोस्तों जब हमारे बिलोवर चलते हैं तो ये हमारे ऑक्सीजन सक करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं फिल्टर उनको वहीं रोक लेते हैं। कूलिंग कॉइल के अंदर हमारा ठंडा पानी होता है
जो हमारी हवा यहाँ से सक होती है वो कॉइल से टकराते हुए हवा अंदर जाती है और कॉइल के अंदर हमारा ठंडा पानी होता है। दोस्तों मई जून के महीने में जो 45-40 डिग्री सेंटीग्रेड की जो हमारी एयर आती है और जैसे ही वो कूलिंग कॉइल से टकराती है तो उसका एयर का भी जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और यहां जो वैकेंट प्लेस है यहां पर हमें एक यूवी लाइट लगी होती है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन में भी हमारे जो किसी तरह के विषैले जो कण होंगे यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट लगी रहती है और ब्लोअर हमारे जो हवा को सक करके फिर देता ये है हमारी डक्ट के थ्रू हमें जहां भी ठंडी हवा को हमें भेजना है वहां पर हम भेज देते हैं। और डक्ट में ये जगह जगह हमारी ये ग्रिल लगी होती है, इस तरह से ये हमारी पूरे फ्लोर पर सीलिंग के ऊपर डक्ट चली जाती है और डक्ट के थ्रू हमें जगह जगह जहां जहां हमें ठंडी हवा को भेजना वहां भेज देते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया प्रॉपर AHU के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन सभी के विषय में समझाए। अब हम समझेंगे कि दोस्तों ये जो हमारा एवोएपरेटर होता है ये शीतलता कैसे हमें जो प्रदान करता है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि हम जो वाटर कूल्ड चिलर प्लांट के अंदर जो गैस उपयोग कर रहे हैं वो है R134A रेफ्रिजरेंट उपयोग कर रहे हैं। और दोस्तों R134A जो रेफ्रिजरेंट है ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो -degree Celsius में होता है। जो हमारे AHU से पानी आता है वो कम से कम 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड का, मैंने यहां पे लिखा भी है, जो हमारा वाटर है वो 10 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है और जो हमारी गैस है गैस का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा माइनस में होता है। और यहां पर जो हमारी गैस है वो क्या थी, लिक्विड में थी हमारी गैस। और जब 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड के जो हमारे रॉड के अंदर पानी है और बाहर हमारी गैस है तो जो हमारी गैस है गैस का बॉइलिंग पॉइंट -26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों ये हमारी R134A गैस -26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉइल होने लगती है और यहां पर तो हमें 10-11-12 डिग्री का जो वाटर मिल रहा है और जैसे ही इसके संपर्क में आती है वो हमारी गैस लिक्विड से वेपर बन जाती है। इस तरह से ये हमारे जो एवोएपरेटर से पानी ठंडा होता रहता है और वो सेकेंडरी पंप द्वारा HU को जाता है और प्राइमरी पंप का काम होता है HU से पानी लाकर एवोएपरेटर को देना और सेकेंडरी पंप का काम है ठंडे पानी को ले जाकर HU को देना। उसके बाद दोस्तों ये हमारी जो रेफ्रिजरेंट है ये जाती है, एक पार्ट्स होता है इकोमाइजर का वर्क होता है। दोस्तों यहां से जो हमारी रेफ्रिजरेंट है